हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। हमने तिल गुड़ के लड्डू बनाए हैं जो कि बहुत ही जल्दी बन गए थे, मात्र 30 मिनट लगे थे इसको। और इसमें हमने न मावा मिलाया है न दूध मिलाया है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया है। तिल गुड़ लड्डू के लिए हमने ये 200 ग्राम गुड़ लिया है, 150 ग्राम तिल लिए हैं, 150 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने हैं और ये 5 कार्डमम है जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है। सबसे पहले हम मूंगफली रोस्ट करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और हमने इसको रोस्ट करना है। इस समय हमारा फुल फ्लेम है, लो मीडियम कर देते हैं। ये लो मीडियम पे ही इसको हम भूनेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, ये भुन गया है। इसकी ये पहचान होती है कि दाने उठाइए और ऐसे इसके छिलका अलग हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ फ्लेम को। बस एक सावधानी बरतनी होती है कि लगातार चलाते रहना होता है। अभी गर्म है बर्तन तो उसमें ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको गर्म पैन में ही चला रही हूँ। अभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इनको मैं पलट लेती हूँ। ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है और तिल डाल दिए हैं हमने। ये हमारा फ्लेम है लो पे कर रखा है। इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना है इनका। गैस बंद कर दी है। हमारे दाने भी रोस्ट हो गए हैं, इनका कलर हल्का सा गुलाबी हो गया है और खुशबू आने लगी है। इसको हम जल्दी से पलट लेते हैं प्लेट में। बहुत अच्छे रोस्ट हो गए हैं। इनको इस तरह से हम रगड़ लेंगे हाथ से। इस तरह इसको साफ कर लेंगे। जो एक दो दाने रह गए इनको हम ऐसे ही रगड़ के साफ कर लेंगे हाथ से। सबसे पहले हम इन तिलों का हम दरदरा पाउडर बनाएंगे। ये पोजीशन हो गई है इसकी। अभी इसको और करेंगे थोड़ा सा। इसको कुछ हम इस तरह से पीस लेंगे, लगातार मूंगफली का ऑयल आ जाएगा। ये हमारे लड्डू को बाइंड करने में बहुत काम आएगा। अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा ये, तो लड्डू हमारे इससे अच्छे से बंध जाएंगे। अब हम इसमें जो हमने गुड़ लिया है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, इसी में हम इसको डाल देंगे। मैं थोड़ा सा पाउडर बचा लूंगी जो मैं लड्डू को रैप करने में काम आएगा। अब इसको हम चलाते हैं। अब गुड़ और तिल बिल्कुल बारीक पाउडर हो गए हैं। ये मूंगफली का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको जो हमें लड्डू बनाने हैं उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी हो गई है। इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जितना बड़ा आप साइज चाहते हैं उतना बड़ा साइज ले लीजिए। हमारे इस प्रोसीजर में मात्र आधा घंटा लगा है और हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। अब इनको इस तरह से हिला दीजिए। इसको हम इसमें रैप कर देंगे। लीजिए, हो गए ना हमारे लड्डू तैयार, कितने अच्छे बने हैं। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बांध लेंगे। लीजिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। बाय।